बाबा का बयान मचा घमासान। बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर बयान को लेकर चर्चा में हैं। बिहार के बोधगया में कथा के दौरान उन्होंने कहा, मुसलमान कभी अपने मौलवियों का अपमान नहीं करते, लेकिन हिंदू ऐसा करते हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी के विरोध में नहीं, लेकिन हमने हवस का पुजारी, हमने हवस का पुजारी सुना है, हवस का मौलवी क्यों नहीं हो सकता। धीरेन्द्र शास्त्री का दावा है कि प्रायोजित तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। मुसलमान कभी नहीं अपने मौलवियों की बेइज्जती करते, लेकिन हम लोग करते। हम उनके विरोध में या पक्ष में नहीं है किसी के भी। हम एक बात बोल, अच्छा, हम लोग इतने विचित्र लोग हैं, कितनी सोची समझी, कभी कभी बातें होती हैं तो हवस के पुजारी। हवस का मौलवी नहीं कभी सुना होगा आपने, पुजारी जरूर होता। अच्छा, मौलवी क्यों नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के दिमाग में बहुत प्रायोजित तरीके से ब्रेन को ब्रॉस करने के लिए, हमारे दिमाग में कुतर्क भरने के लिए शब्दों को पहुंचाया गया और भरा जा रहा है।